स्टूडेंट्स हमने देखा कि स्केल क्या है अब हम देखेंगे कि इंडेक्स क्या होता है एन इंडेक्स इज अ मेयर इन विच अ रिसर्चर एड्स और कम्बाइन सेवरल डिस्टिंग इंडिकेटर्स ऑफ अ कंस्ट्रक्ट इन सिंगल स्कोर जैसे आ, जब आप कोई स्केल यूज करते हैं तो उसमें मल्टीपल आइटम्स होती हैं कोई स्केल हो, है, हो, हो सकता है फाइव आइटम्स का हो कोई स्केल हो सकता है सेवन आइटम्स का हो और कोई स्केल हो सकता है वो नाइन आइटम्स का हो जब आप उन आइटम्स के स्कोर को कंबाइन कर लें तो हम उसको इंडेक्स बोलते हैं तो इंडेक्स में जब हम क्या करते हैं जब हम स्कोर कंबाइन करते हैं तो हम सिंपली उसको जो सिंपल इंडेक्स होता है उसमें सिंपली उसको जो है हम ऐड करते हैं उन तमाम स्कोर्स को और जो वैल्यू आती है उसको इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं तो इंडेक्स uh, कैसे कंप्यूट किया जाता है इंडेक्स uh, कंप्यूट करने के लिए uh, आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि उस स्केल की आइटम्स कितनी हैं जैसा कि हमने लास्ट मड्यूल uh, में देखा था कि फियर ऑफ करोना वायरस स्केल है उसमें सेवन आइटम्स हैं तो ये जो सेवन आइटम्स हैं स्केल को मैयर करने के लिए जो हमने रिस्पांस कैटेगरीज बनाई हैं वो फाइव हैं जिसको हम रिस्पांस सेट भी करते हैं कहते हैं स्ट्रॉगली एग्री से स्ट्रॉगली डिसएग्री तक तो इंडेक्स को कंप्यूट करने में जो सबसे पहला हमने काम करना होता है वो रिस्पांस कैटेगरीज़ को एक नूमरिकल वैल्यू देनी होती है और इस प्रोसेस को हम कोडिंग कहते हैं कि हाँ स्केल का इंडेक्स स्कोर निकालने के लिए जब हम रिस्पांस कैटेगरीज को एक नमेरिकल वैल्यू दे दें तो वो प्रोसेस कोडिंग कहलाता है तो यहाँ पर हमने जो दी है अपनी रिस्पांस uh, कैटेगरीज को कोड दिए हैं इन नमेरिकल फॉर्म वो स्ट्रॉन्गली एग्री को फाइव दिया है एग्री को फोर डोंट नो को थ्री डिसएग्री को टू और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को वन uh, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमने स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को फाइव क्यों नहीं दिया और स्ट्रॉन्गली एग्री को वन क्यों नहीं दिया तो जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट मॉड्यूल में कि एफ सी वी नाइनटीन एसपियर ऑफ कोरोना वायरस स्केल जो है वो यूनी डायरेक्शनल इन नेचर है और वो नेगेटिव uh, जो इमोशंस हैं उनको असैच करता है तो जब हमने उसका इंटेंट जानना है उसका जो एग्रीमेंट जानना है विद द स्टेटमेंट तो जो एग्री करेगा हम उसको ज़्यादा वैल्यू करेंगे और जो डिसएग्री करेगा उसको हम लेस uh, वैल्यू करेंगे तो इसीलिए लिए यहाँ पे जो हाई एग्रीमेंट है उसको हम हायर वैल्यू दे रहे हैं नुमेरिकल और जो लोअर एग्रीमेंट है इन शेप ऑफ स्ट्रॉन्गली डिस उसको हम लोअर नमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं तो अगर हम हम देखें कि हमारे पास इस स्केल में जो है फाइव पॉइंट रिस्पॉन्स कैटेगरीज के, के साथ सेवन आइटम्स थी और हमने इसको जो है फाइव पॉइंट स्केल पे मैयर किया है तो लिमिटेड या लीस्ट स्कोर क्या हो सकता है किसी रिस्पॉन्डेंट का अगर एक रिस्पोंडेंट तमाम स्टेटमेंट से हाई डिसएग्रीमेंट करे तो इट मींस दैट ही और शी इज़ गोइंग टू तो स्कोर वन ऑन ईच आइटम तो उसका जो स्कोर होगा मिनिमम वो होगा सेवन और अगर एक रिस्पोंडेंट जो है वो तमाम स्टेटमेंट्स के साथ हाईली एग्री करे तो स्ट्रांगली एग्री को टिक करे स्ट्रांगली एग्री को टिक करने का मतलब है कि उसकी नमेरिकल वैल्यू फाइव होगी तो जब सेवन आइटम्स पे वो फाइव को टिक कर रहा है यानी स्ट्रांगली एग्री को टिक कर रहा है और उसकी नुमेरिकल वैल्यू फाइव है तो उसका जो स्कोर होगा मैक्सिमम वो होगा थर्टी फाइव तो इस तरह इस इंडिक आ, इंडेक्स की जो है आ, इस वेरिएबल को इंडेक्स बनाने के बाद हमारे पास जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो सेवन टू थर्टी फाइव आएगी मीन्स टू दैट के जो रिस्पोंडेंट्स होंगे उनके जो स्कोर्स होंगे इंडेक्स स्कोर्स वो सेवन टू थर्टी फाइव की रेंज में रिपोर्ट हो रहे होंगे और जिसका स्कोर थर्टी तो फाइव की तरफ ज़्यादा होगा थर्टी फाइव थर्टी फोर थर्टी या ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन हम ये समझेंगे कि उसका फियर ऑफ़ कोविड नाइन्टीन वो हाई है और जिसका स्कोर जो है सेवन की तरफ ज़्यादा होगा सेवन एट नाइन टेन हम ये समझेंगे उसका फियर ऑफ़ कोविड नाइन्टीन कम है तो इस तरह हम जो है इंडेक्स स्कोर को इंटरप्रेट करते हैं आ, अपनी सोशल साइंस रिसर्च में